हेलो दोस्तों, अंकित टेक एंड ब्लॉग के एक और नए वीडियो का स्वागत है। तो दोस्तों, इस समय आजमगढ़ का बहुत बुरा हाल हो चुका है। पानी से पूरा हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पे, मैं एक इंट्रो डाल दे रहा हूँ पानी का क्या हाल है और आपकी तरफ कैसा है वो बताइएगा नीचे कमेंट करके। सब्सक्राइब करें अंकित टेक एंड ब्लॉग को और इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें और उसी के साथ साथ में इस नोटिफिकेशन में जाके इसको ऑल पे क्लिक करें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें वो पहुंचे आप तक सबसे पहले। तो आजमगढ़ में लगातार दो दिन से मूसलाधार पानी और बीते दो दिन में इतना पानी बरसा है। देख सकते हैं कि हर तरफ पानी पानी, जल जमाव की स्थिति हो चुकी है। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है शांति नगर यानी कोल घाट, और कोल घाट का तो सबसे बुरा हाल है। कोल घाट हुआ आपका, फिर हरबंसपुर, सिधारी, नरौली, हर तरफ तो पूरा पानी ही पानी है। वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा और आपको पता लग जाएगा कहाँ पे कितना कितना पानी है। ये देख सकते हैं, ये है शांति नगर का इलाका जहाँ की ज़मीनें इस समय आसमान छू रही हैं रेट में, और रेट में तो कोई कमी नहीं है लेकिन उसी हिसाब से आपको पानी भी भर भर के मिल रहा है। और आगे आपको दिखाने वाले हैं कि बंधे के उस पार का सीन, तो देख लीजिए बंधे के उस पार। और ये तमसा नदी है जो कि समय उफान पे है और अपने पीक पे है। प्रशासन तो पूरी कोशिश कर रहा है पानी निकालने की इस पार से उस पार, पंपिंग सेट से गेट के पास, वो भी आपको दिखा देंगे, लेकिन जितना पानी निकल रहा है उतना ही पानी वापस से फिर से आ जा रहा है। तो इसके लिए प्रशासन भी क्या कर सकता है, इसके लिए ऊपर वाले से प्रार्थना करने की ज़रूरत है। तो अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं बंधे के उस पार का सीन, यानी बंधे से अगर आप भंवरनाथ से बवाली मोड़ की तरफ आते हैं तो देख लीजिए पूरा पानी पानी आपको दिखाई देगा उस तरफ। और अभी आपको आगे दिखा देंगे बागेश्वर नगर का भी यही हाल हो रखा है बुरा। और अगर हम बात करें तो पानी की, तो पानी तो बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। और आज है आपका 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती, और जो बरसात स्टार्ट हुई है मेरे ख्याल से 30 तारीख से बरसात स्टार्ट हुई है। देख सकते हैं पूरा उस पार, पता ही नहीं लग रहा है कि नदी कहाँ है और जो ज़मीन है जहाँ किसान खेती करते थे वो ज़मीन कहाँ है। और अगर इसी तरह से पानी बढ़ता रहा तो उसके बाद से आजमगढ़ का क्या हाल होगा वो तो आप लोग भी जानते हैं और देख सकते हैं आप। और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपका एरिया कैसा है। देख लीजिए यहाँ से पानी प्रशासन निकाल रहा है इस पार से उस पार, और जिसके कारण काफ़ी लंबा जाम भी लग रहा है बवाली मोड़ से भंवरनाथ के बीच जाने आने के लिए। देख लीजिए ये है आपका बवाली मोड़ का इलाका और उधर भी पूरा पानी लगा हुआ है। और अगर आप उधर जाते हैं जिधर गाड़ी धुलती है हरबंसपुर की तरफ, तो उधर भी यही हाल है। उधर तो घर के अंदर पानी घुसा हुआ है और नरौली में भी घर के अंदर पानी घुसा हुआ है। और उम्मीद है कि आप जो लोग वीडियो देख रहे हैं सब लोग सुरक्षित हैं। देख लीजिए नरौली, इधर भी पूरा पानी लगा हुआ है लेफ़्ट साइड में जो नदी बह रही है पुल पे। और आपको दिखा देते हैं उसके बाद से नरौली का आगे का सीन, जो सिधारी थाना जहाँ पे है वो भी आपको दिखा देंगे। तो वीडियो पे पूरा एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा अगर पसंद आ रही हो, और इसी तरह के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपको आजमगढ़ की अपडेट मिलती रहेगी पानी का। और कोलघाट में तो आप देख ही चुके हैं कितना बुरा हाल है। ये देख लीजिए नरौली के उस पार का, और जो रोड जा रही सितारी थाने की तरफ ये वही रोड है नरौली से। देख लीजिए घर तो पूरा एक एक मंजिल डूबे हुए हैं, और वो लोग ही जानते होंगे जिनके घर में पानी घुसा हुआ है। ये देख लीजिए ये है आपका ज्योति निकेतन स्कूल, आजमगढ़ का काफ़ी माना जाना स्कूल, इसमें भी देख लीजिए पूरा पानी भरा हुआ है। और आपको हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी दिखा देंगे कि वहाँ पे क्या हाल है, क्योंकि वहाँ पे भी एक तरीके से कहा जाए तो नहर बह रही है, और जो चढ़ने के लिए वो लोग सठियाओं से चढ़ान बना रहे थे तो वहाँ पे भी पूरा वो लोग काट के अब पानी बहा रहे हैं इस पार से उस पार। और ये आप देख सकते हैं आपका दिखा दे रहे हैं आपको इस तरफ का सीन लेफ़्ट साइड का, क्योंकि राइट साइड का देख चुके हैं पहले ही, आप लेफ़्ट साइड का भी देख लीजिए। इधर भी पूरा पानी पूरा भरा हुआ है, एक मंजिल लोगों के डूबे हुए हैं। और वीडियो को एंड तक देखिएगा आपको पता लग जाएगा कहाँ पे कितना कितना पानी है। तमसा नदी देख लीजिए, ये है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे,
आपका इंडिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे, और यहाँ पे भी भारी जल जमाव हो रखा है, पूरा नदी नाला जो भी आप कह सकते हैं वो बह रहा है, और जिसके कारण से जो कार्य थे वो सब प्रभावित हुए हैं और रुके हुए हैं। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और आगे भी वीडियो बने रहिएगा क्योंकि आगे आपको दिखाने वाले हैं शांति नगर का सीन फिर से। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, a disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me, I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic, with this logic you can't stop it. It's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. Go! I'm built to last with the webs I'm weaving. I could change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna eat them. Make mistakes real fast, then you learn how to beat them. If you take off the cast, you can see all the healing. If the pain's in the past, move on from the grieving. Put your foot on the gas, don't never stop competing, yeah. I've been doing this, I'm on it. I just wanna be iconic. Sipping on a gin and tonic, got me going off when I'm on this topic, yeah. If I ever play, I want it. You know that I'm always honest. Stay away from those who are toxic. Keep them out your face, no way, you don't want them, yeah. Don't try to drain my energy. The enemy is everything. It's mentally unhealthily.